टॉपिक्स की मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसी के लिए आपको लाइव दे देता हूँ एक सेशन। टॉपिक व्हिच आई रिसीव फॉर द मोस्ट रिक्वेस्टेड इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बड़ा मैं आपको बड़े आसानी से समझा देता हूँ दोस्त। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाना। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाना। डिस्चार्ज का मतलब कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है, जो दोनों पार्टीज़ के बीच में रिलेशन है, जब वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। तो हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया भाई? डिस्चार्ज हो गया। सो जो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाना है वो हमें पढ़ना है बेसिकली इस टॉपिक के अंदर। वी विल रिवाइज, थोड़ा सा जल्दी हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बच्चों ने कहा है सर जी थोड़ा सा पार्टनरशिप एक्ट भी जल्दी जल्दी कर देना। मैं हाँ बेटा जल्दी जल्दी कर दूँगा, कोशिश है आज ही कम्प्लीट कर दूँ। डिस्चार्ज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म हो जाना, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी कम्स टू एन एंड। नाउ व्हेन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज कम्स टू एन एंड, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन पार्टीज कब कम्स टू एन एंड आती है? देर आर डिफरेंट मोड्स। वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, देन बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो परफॉर्मेंस के ऊपर जब मैं बात करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो जाता है? भैया आपने ही परफॉर्मेंस कर दी, सामने वाले ही परफॉर्मेंस कर दी, जब दोनों ने परफॉर्मेंस कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यस भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? डिस्चार्ज हो जाएगा। नाउ द बेसिकली द पॉइंट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ड्यू टू द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस कर चुके और सामने वाला भी कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। सर व्हाट इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? आप तो राजी थे अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए, आप तो राजी थे अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन सामने वाले ने आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। सामने वाले ने आपकी परफॉर्मेंस को क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया। वाला इसी बंद कर देना। सामने वाले ने आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। आप तो अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए राजी थे बट सामने वाले ने आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पार्टी से डिस्चार्ज हो गए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को आप डिस्चार्ज कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज का मतलब क्या? When the relationship between the parties comes to an end, तब हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब हो जाता है? जब पार्टीज के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। उसका पहला वे क्या था? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या था? कि भैया दोनों पार्टी ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, सामने वाले बंदे ने अपनी दी, आपने अपनी परफॉर्मेंस कर दी। जय कुमार नाथा, गुड सर, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सो मच। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है बॉस आपने तो परफॉर्मेंस का ट्राई किया बट सामने वाले ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ही नहीं करी। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, आपको आगे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या? इसके अंदर नोवेशन, रिसीशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, वेवियर। बेटा जो लोग आईपीसीसी के अंदर हैं वो लोग इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान से रखना, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट को। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों पार्टी मिलके कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रही है। पहला वे है इसके अंदर नोवेशन। सर ये नोवेशन क्या होता है? बेटा नोवेशन का मतलब होता है जब पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है उसे जब आप ख़त्म कर देते हो तब उसे क्या बोलते हैं? नोवेशन बोलते हैं। सर जरा आप एक्सप्लेन करके दिखाना बताना। मैंने कहा यस बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सर अब नोवेशन का मतलब है पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और वो उस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं और उस नए कॉन्ट्रैक्ट में एक नई पार्टी भी आ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पार्टनरशिप के अंदर जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, जब पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो एक नोवेशन ही तो है क्योंकि पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है क्या वो ख़त्म हो गया? नहीं हो गया।
यस, पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जब पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो उसकी उसकी जगह क्या आ जाता है, एक नया रिलेशनशिप आता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, यानी वो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उस नए कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, नोवेशन बोलते हैं। उस नए कॉन्ट्रैक्ट को हम नोवेशन नहीं बोलते, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ, उसकी जगह जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया और उस नए कॉन्ट्रैक्ट में नई पार्टी है। जैसे एक पार्टनरशिप हम ए और बी है, अब ए और बी की जगह एक नया पार्टनर आ जाता है विच इज ए बी एंड सी, सी नया पार्टनर है, यानी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप खत्म हुआ, उसकी जगह एक नया रिलेशन आ गया, एक नया एग्रीमेंट आ गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया और उस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नई पार्टी भी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज नोवेशन। आई गेस बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रिसीशन, रिसीशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देना। रिसीशन आप भी कर सकते हो या कोई और सारी पार्टी मिलकर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म इस दिन करना है, इसी दिन करना है, इसके बाद मत करना, आपने उस दिन परफॉर्म नहीं किया, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रिसीशन कर सकते हो। जब रिसीशन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो इसका मतलब क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो रिसीशन का मतलब क्या है, रिसीशन का मतलब क्या, रिसीशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल कर देना। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कौन कर सकता है, एक पार्टी भी कर सकते हो, बाकी सारी की सारी पार्टी मिलकर भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, रिसीन कर सकते हैं। सेकेंड आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टी के बीच में ही क्या हो जाते हैं, रिलेशन खत्म हो चेंज होते हैं। ऑल्ट्रेशन के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टी में ही रिलेशन चेंज होते हैं। मैं सिंपल सी बात करूं, पार्टी वही है लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं, पार्टनरशिप के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशन होते हैं, जब हम आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज कर देते, पहले 3:2 होता है, 2:1 होता है, इज अ टेम। जब एग्जिस्टिंग पार्टीज के बीच में ही की टर्म्स एंड कंडीशन में ही चेंज हो जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ऑल्ट्रेशन का मतलब ये कि सामने वाले बंदे की पार्टी, सामने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो जाना। ऑल्ट्रेशन में जरूरी नहीं है, ऑल्ट्रेशन में इट इज़ नेसेसरी दैट कि पार्टीज जो रहेगी वो पुरानी ही रहेगी लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होगा। जबकि नोवेशन में पार्टी नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि टर्म्स में कंडीशन हो या ना हो। पहले भी पार्टनर 2:2 ले रहे थे, अभी भी 2:2 ले रहे हैं, लेकिन नए पार्टनर की वजह से रेशियो 2:2:1। ए और बी के बीच में तो रेशियो वही है 2:2। तो नोवेशन के अंदर पार्टी नहीं आ सकती है, ऑल्ट्रेशन में नई पार्टी नहीं आएगी। ऑल्ट्रेशन में एग्जिस्टिंग पार्टी के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन कंफर्म चेंज होगी, नोवेशन में जरूरी नहीं है। रेमिशन का मतलब क्या, रेमिशन का मतलब है सामने वाले से हमें जितना कंसिडरेशन एक्सेप्ट करना था वो हमने पूरा एक्सेप्ट ना करके हमने उससे कम एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे सामने वाले से 10,000 रुपये लेने थे, मैं काम करता हूँ, एक काम कर रहा, तू 10,000 रुपये मत दे, उस 10,000 की बजाय तू 8,000 रुपये दे दे। तो मुझे 10,000 रुपये ना दे, तो मुझे उस 10,000 की बजाय क्या दे दे बेटा, 8,000 रुपये दे दे। ये जो सामने वाला बंदा आपको 8,000 रुपये दे रहा है, आप उससे क्या कह रहे हो कि भाई तू पूरा मत दे, उसकी बजाय क्या दे दे, उसकी बजाय क्या दे दे मुझे तू आधा दे दे, पूरा मत दे, उसकी बजाय मुझे कुछ कम कर दे, दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन। जब हम सामने वाले से जितना प्रॉमिस, उस सामने वाले की जितनी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी होती है उससे कम परफॉर्मेंस को हम एक्सेप्ट कर लेते, दैट इज कॉल्ड एज रेमिशन। बेटा अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई है या कोई डाउट है प्लीज मुझे लाइव चैट पर भी बता दो, कोई डाउट है तो, या फिर अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आपके पास अभी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, इट्स 9654194145, प्लीज़ उस पर मैसेज कर देना। गाइज प्लीज़ बताना आपको वीडियोस कैसी लग रही है,
आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इससे हम मोटिवेटेड होते हैं। और अभी तो मैं और राकेश ही ऑनलाइन आए हैं, धीरे धीरे हमारी पूरी टीम ऑनलाइन आ रही है। सो सून यू गाइस गोना टू हैव ऑनलाइन क्लासेस विद अस एंड द शावेज आलम क्लासेस इज गोइंग इनकम इन ऑनलाइन वर्ल्ड। सो वी नीड योर सपोर्ट, आई होप यू गाइज विल सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच। रेमिशन का मतलब क्या है? रेमिशन का मतलब है कि सामने वाले से आप पूरा का पूरा उसका प्रॉमिस एक्सेप्ट ना करके क्या करते हो, उससे कम एक्सेप्ट कर लेते हो। दैट वी कॉल्ड एज रेमिशन, दैट वी कॉल्ड एज रेमिशन। वेवियर का मतलब या रेमिशन में एक और चीज़ होती है, एक तो पूरा का पूरा प्रॉमिस एक्सेप्ट ना करके उसका कम एक्सेप्ट कर लेना, 10,000 की बजाय 8,000 एक्सेप्ट कर लेना, या सामने वाले को अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए टाइम बढ़ा देना। सामने वाले को उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए क्या बढ़ा देना, टाइम बढ़ा देना। दैट वी कॉल्ड एज रेमिशन। उसको हम क्या बोलेंगे, रेमिशन। रेमिशन का मतलब आपको समझ में आया, लेस या टाइम इंक्रीज कर देना। बेटू यहाँ तक बात समझ में आ गया ना गाइज? अगर आपको समझ में आ गया प्लीज़ ओके सेंड कर दीजिए कि सर यहाँ तक समझ में आ गया। आइए बेटा लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वेवियर। वेवियर का मतलब है सामने वाले को कहना कि भाई जी ले अपनी ज़िंदगी जा। सामने वाले को कहना भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। सर मतलब क्या है? आप सामने वाले को कहते हो भाई एक काम कर, तू परफॉर्म ही मत कर, छोड़। जैसे मुझे चंदू भैया से 10,000 रुपये लेने थे, मुझे चंदू भैया से 10,000 रुपये लेने थे, मैं कहता चंदू भाई छोड़ यार ना दे, कोई टेंशन नहीं है, चंदू भाई टेंशन नहीं है ना दे 10,000 रुपये, जी ले अपनी ज़िंदगी जा जा चंदू भाई तू जी ले अपनी ज़िंदगी, ना दे 10,000 रुपये, ठीक है भाई। चंदू भैया को मैंने क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। उनको कहा कि आपको अपनी परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा रेमिशन और वेवियर में फ़र्क यह है कि वेवियर के अंदर आप सामने वाले की पूरी ऑब्लिगेशन को उसको वेव ऑफ कर देते हो। सामने वाले की पूरी ऑब्लिगेशन को आप क्या कर देते हो, वेव ऑफ कर देते हो। लेकिन इन केस ऑफ रेमिशन, आप सामने वाले को ये कह रहे हो कि तू कम दे जितना तुझे दे रहा है, जितनी तुझे परफॉर्मेंस करनी है उसको कम कर दे, हमें दिक्कत नहीं है। आप उसको पूरी तरीके से वेव ऑफ नहीं कर रहे, आप उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं रहे हो। जो पूरी तरह से छोड़ रहे हो वो किस में छोड़ रहे हो बेटा, मेरे वेव ऑफ पे छोड़ रहे हो। यहाँ तक मेरी बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? प्लीज़ गाइज लेट मी नो वेदर यू क्लियर इट नॉट, इज इट क्लियर टू यू आर नॉट, प्लीज सेंड एन ओके टू मी। नाउ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या? बिकॉज ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। सर कैसे? फर्स्ट डेथ ऑफ द प्रोमिसर, कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर की पर्सनल स्किल का था, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, प्रोमिसर की पर्सनल स्किल का था, ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का था, गुड अच्छी बात है। प्रोमिसर ही मर गया जिसको परफॉर्म करना था, कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा? ऑफ कोर्स यस, डिस्चार्ज हो जाएगा यार। जब जिसको परफॉर्म करना था वो मर ही गया, जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का था, क्या परफॉर्म करवा सकते हो क्या? नहीं, आप उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, उसकी पर्सनल स्किल का था। सेकेंड इंसॉल्वेंसी, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई बंदा क्या हो जाता है बेटा, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, यानी वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स थे, उनको किसी को पेमेंट करनी थी, अब वो इंसॉल्वेंट हो गए, अब वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए, अब आप उनसे रिकवर नहीं कर सकते। आई गेस यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। थर्ड अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन। सर ये अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती क्या, वट एग्जैक्टली द अनऑथराइज मटीरियल ऑल्ट्रेशन? अनऑथराइज मटीरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब है कि
सामने वाले से बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर देना, सामने वाले से बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर देना, इसको हम बोलते हैं अनऑथराइज मटेरियल ऑल्ट्रेशन। सामने वाले से बिना पूछे हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया, दैट वी कॉल्ड एज अनऑथराइज मटेरियल ऑल्ट्रेशन। सपोज करो रेंट लीज डीड थी, मैं लीज के रेंट में चेंज कर देता हूँ सामने वाले से बिना पूछे, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा उसी टाइम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया नहीं आ गया? बेस्ट एंड वेरी इजी वे ऑफ टीचिंग सर, आपसे पढ़कर मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को पढ़ाया, वो इम्प्रेस हो गए और आपसे पढ़ रहे हैं अभी। थैंक यू जे, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। बाय द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सर ये है क्या? बाय द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, इसको एक नाम से और जाना जाता है जिससे बोला जाता है मर्जर। इसको एक नाम से भी जाना जाता है जिससे जैसे बोला जाता है मर्जर। सर ये होता क्या, मैंने समझाता हूँ। बी ड्रॉई है, ए ड्रॉअर है, बी ने बिल दिया ए को, ए ने एंडोर्स कर दिया सी को, सी ने एंडोर्स कर दिया डी को, और डी ने वापस कर दिया बी को, डी ने वापस किसको कर दिया बी को, बी ने दिया ए को, ए ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने वापस बी को एंडोर्स कर दिया। बी का पहले इन्फीरियर राइट था पेमेंट देने का, बाद में पेमेंट लेने का इसका सुपीरियर हो गया, यानी इन्फीरियर प्लस सुपीरियर राइट मिल गया। क्या बी अपने आप को ही पेमेंट करेगा क्या? क्या बी अपने आप को ही पेमेंट करेगा क्या? आंसर इज नहीं यार, बी जो है अपने आप को पेमेंट नहीं करेगा। यानी बी के ने जो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि इसका इन्फीरियर राइट गेट मर्ज विद द सुपीरियर राइट। आई गेस मेरे बेटा जी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। क्या कह रहे हो सर जी? मैं कहा बेटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने कहा बेटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। सर हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ इट्स पॉसिबल? मैंने कहा बेटा इट इज पॉसिबल, आप जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो वो यही तो होता है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जरा मैं आपको एक आसान शब्दों में समझा देता हूँ। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म दो तरीके की होती है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है। एक होती है साहब, एक होती है साहब इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी, और दूसरी होती है आपकी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। एक होती है आपकी इनिशियली इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी आपकी होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था, जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं बेटा, दैट इज द वॉइड एब इनिशियो।
अब इसके अंदर दो तीन चार केसेस हो सकते हैं, ये सब कौन कौन से तीन चार केसेस हो सकते हैं? मैंने कहा बेटा देखो, अगर प्रॉमिस एंड प्रॉमिस यानी दोनों पार्टीज को इस बारे में पता है कि भाई जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, अगर दोनों पार्टीज को इस बारे में पता है कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, वेन द बोथ द पार्टीज नो अबाउट दैट कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, इस कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड एब इनिशियो है, बायलैटरल मिस्टेक है, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि जिस घोड़े का खरीदने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो तो ऑलरेडी मर चुका है, ना आपको पता है ना मुझे पता है कि जिस घोड़े को खरीदने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो तो ऑलरेडी मर चुका है यार, बायलैटरल मिस्टेक है जी, जो बायलैटरल मिस्टेक होती है उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, और अगर सामने वाले को हम लोग एडवांस दे दिया तो उसको वो वापस करना पड़ेगा, आई गेस यहाँ तक पता क्लियर हो गई होगी, सॉरी डू नॉट नो कर लो यार, व्हेन द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी नो, जब प्रोमिसर एंड प्रोमिसी दोनों को पता है कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर एक्स को कह रहा हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा आप जो है मिस वाई को जिंदा कर दूँ, ना मिस्टर एक्स को ये पता जो मर चुका वो जिंदा नहीं हो सकता, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ तांत्रिक बाबा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें पता जो मर चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट जिंदा नहीं हो सकता, जब दोनों को पता है तो वो वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन अगर मैंने पैसे दे दिए तांत्रिक बाबा को तो मैं रिकवर नहीं कर सकता, कोर्ट कहेगा विनीत जी जब आपको पता था ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है और आप इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप क्या रिकवर कर सकते हो क्या? आंसर इज नो, आप क्या नहीं कर सकते बेटा, रिकवर नहीं कर सकते, आई गेस बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। हाय शुभम ठाकुर, व्हेन द प्रोमिसर अलोन्स अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, प्रोमिसर वो खुद को पता है कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, सर कैसे, सर हाउ, मैंने कहा बेटा बड़ा क्लियर कट पॉइंट है, प्रोमिसर को पता है जिस घोड़ा को बेचने का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो घोड़ा तो ऑलरेडी मर चुका है, प्रोमिसर को पता है जिस घोड़ा बेचने का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो ऑलरेडी मर चुका है, वो तो ऑलरेडी मर चुका है, प्रोमिसर ऑलरेडी नोज दैट कि जिस घोड़ा खरीदने का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो तो ऑलरेडी मर चुका, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करो तो ऑलरेडी मर चुका है, फिर भी वो प्रोमिसर वो कहता है मैं आपको घोड़ा बेच रहा हूँ, कह रहा है एक तरीके को सामने वाले से झूठ बोल रहे, नहीं झूठ रहा, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन सामने वाला उससे क्या रिकवर कर सकता है, डैमेजेस रिकवर कर सकता है, सामने वाला क्या कर सकता है, डैमेजेस रिकवर कर सकता है, आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज द सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि भाई जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम तो पॉसिबल टू परफॉर्म था, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम तो वो पॉसिबल टू परफॉर्म था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब आप परफॉर्म नहीं कर सकते, जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पॉसिबल टू परफॉर्म था लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से अब आप परफॉर्म नहीं कर सकते, अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऐसी इम्पॉसिबिलिटी को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ऐसी इम्पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जिस टाइम अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम तो वो पॉसिबल टू परफॉर्म था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब आप परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको बोल सकते हैं हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या इसे हम बोल सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या हम इसे एक वर्ड से यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अगर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
सुपर मेरिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ कि भैया इस टाइम क्या, उस टाइम तो पॉसिबल था लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी अगर आपको सामने वाले ने कोई पैसे दिए हैं तो आप उसको क्या कर देना बेटा, वापस कर देना। या जिस टाइम जब बाद में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो निकलता है, यानी आप तो सोच रहे थे वो वैलिड है लेकिन था वो वॉइड एब इनिशियो, तब भी आपको सामने वाले को क्या करना पड़ेगा बेटा, पैसा वापस करना पड़ेगा। दैट इज यू हैव टू रिटर्न द, अगर बाद में पता चलता कोई एग्रीमेंट वॉइड था तो आपको सामने वाले को जो भी बेनिफिट लिया होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वापस करना पड़ेगा। आई गेस मेरी बेटा यहाँ तक बात समझ में आ जाए, आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी बेटा। प्लीज़ समझ में आ गया, सेंड ओके टू मी प्लीज़ एंड लेट मी नो कौन कौन ऑनलाइन है। नाउ व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सुपर मेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कब ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगा। कब कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सुपर मेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, किस ग्राउंड्स पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्चार्ज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर मेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी कौन कौन से बहाने हैं जिन्हें आप सुपर मेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का रीजन्स बना सकते हैं। पहला, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का मतलब क्या है, जब जिस कंट्री के निवासी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस कंट्री के निवासी के साथ हमारी कंट्री वॉर में आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्योंकि जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वैलिड था लेकिन अब क्या होगा, वो परफॉर्म नहीं हो सकता, वो क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऋषि जैन क्या आप मेरी स्टूडेंट रहे हैं क्या। नेक्स्ट, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी। भाई जिस बंदे कॉन्ट्रैक्ट का पर्सनल स्किल का था अब वो बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, जब वो परफॉर्म नहीं कर सकता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब उसकी इनकैपेसिटी होगी, बस जैसे किसी को गाना गाना था उसके चोट लग गई, वो बेचारा हॉस्पिटलाइज है, क्या वो गा पाएगा क्या, नहीं वो नहीं गा पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, या जिस चीज़ का ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस से पहले ही वो चीज़ क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। जिस चीज़ का अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस से पहले ही क्या हो गई, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। या जब जिस चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वो चीज़ ही डिस्ट्रॉय हो गई, क्या आप उससे परफॉर्म कर पाएंगे क्या, नहीं। भैया आपने मेरी गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 31 तारीख को मुझे गाड़ी देनी थी, 15 तारीख को मेरी गाड़ी जल गई, वाला ना करे कभी ऐसा हो तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं हो गया, सॉरी सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ सुपर मेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ऋषि यार तुझे समझ में आ रहा है ना अच्छे से, एंड इज इट पॉइंट क्लियर विद एवरीवन, प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट, चेंज ऑफ लॉ। सर ये चेंज ऑफ लॉ का मतलब क्या है, भाई जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम तो वो लीगल था लेकिन परफॉर्मेंस से पहले क्या हो गया, लॉ में चेंजेस आ गए, वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ बिहार का, यार प्लीज बिहार वाले गाइस बुरा मत मानना, तुम तो अपने दोस्त हो। बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ, सर जी बिहार में हमारे ठेके थे शराब के, हमने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया हमें शराब चाहिए काफ़ी सारी, हमने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमें शराब चाहिए बहुत सारी, ठीक है भाई शराब चाहिए तो चाहिए, मना किसने किया। इससे पहले कंपनी डिलीवर करती शराब, वहाँ पर लीगल हो गई, क्या इलीगलिटी की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं बन गया, यस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस। कहने का मतलब यह है उस चीज़ का नहीं होना जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए ज़रूरी थी। सर जरा एक्सप्लेन करना, मैंने कहा मैं आपको अपनी घड़ी या मैं आपको जो है शर्ट इंग्लैंड वाले से जो शर्ट आ रही है वो जब ही बेच पाऊंगा जब जो शिप लेके आ रहा है वो इंडिया में आ जाए।
मैंने कहा कि जो इंग्लैंड से शिप लेके आ रहा है, मैं आपको उस शिप के अंदर जो शर्ट्स आ रही है मेरी, मैं जब भी बेच पाऊंगा जब शिप इंडिया में आ जाए। अब वो शिप इंडिया में नहीं आया, या शिप सिंक हो गया, शिप इंडिया में नहीं आया, या शिप क्या हो गया, सिंक हो गया, गया। अब मेरा एक बात, मेरे बेटा एक बात बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट अब पॉसिबल है क्या परफॉर्म हो पाना? मेरे बेटा एक बात बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए पॉसिबल है क्या परफॉर्म हो पाना? आंसर इज नो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है परफॉर्म हो पाना। क्यों कॉन्ट्रैक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है परफॉर्म हो पाना क्योंकि शिप का आना जरूरी था। किस चीज के लिए शिप का आना जरूरी था? उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए शिप का आना जरूरी था। तो यानी अगर ऐसी वो चीज़ नहीं हुई जो कि ज़रूरी थी, किस चीज़ के लिए? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। आई गेस बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। केसेस, किन केसेस के अंदर बहाना नहीं चलेगा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का? क्योंकि लोग पता क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बहाना बना के डैमेजेस देने से बच जाएंगे। लोग क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बहाना बना के डैमेजेस देने से बच जाएंगे। अब सर कौन कौन से वो बहाने जो नहीं चलेंगे? मैंने कहा बेटा बड़े क्लियर क्लियर है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस करने में दिक्कत आ रही है, जैसे आपको मुझे कोई सामान देना था, अब आपको पता चलता है यार एक हफ्ते बाद तो ट्रेन से वो सामान जाना है, ट्रेन की तो हड़ताल होने वाली है किसी भी रीजन से, एक्स वाई जेड से, या उस एरिया की ट्रेन कैंसिल होने वाली है, विनीत मैं भेज ही नहीं पाऊंगा। अरे भाई ट्रेन से सामान नहीं आ सकता, सामान तो ट्रक से भेज दे, परफॉर्मेंस तो इम्पॉसिबल नहीं है ना, परफॉर्मेंस करने डिफिकल्टी आ रही हो तो आप सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं बना सकते। कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी यानी लॉस में होना, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करके आप मुझे पेन 10 रुपये का दोगे, बाद में आप वो पेन खुद खरीदने जाते हो तो पता चलता वो पेन तो 15 रुपये का, बाद में आप पेन खरीदने जाते हो तो पता चलता वो पेन तो 15 रुपये का है। क्या कॉमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया? नहीं हो गया, कॉमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया। क्या आप कह सकते हो भाई साहब मुझे लॉस हो रहा है इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? अब तो आपको बियर करना पड़ेगा। डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी, सर डिफॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? बड़ा क्लियर कट पॉइंट है, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 100 जींस दूंगा और उन 100 जींस को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने मिस्टर एक्स वाई जेड से कर लिया। अब मिस्टर एक्स वाई जेड मुझे परफॉर्म नहीं करते हो, मुझे 100 जींस नहीं देते, क्या मैं आपको कह दूं भाई मेरे को उसने नहीं दी इसलिए मैं नहीं दे पाया? आप कहोगे सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जींस को देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जींस को देना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर, आपने डिफॉल्ट किया है, बियर करो डैमेजेस। आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गए, क्या बहाना बना सकते हो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का? नो, आप सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं बना सकते। एक्चुअली में सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना जब भी बन सकता है जब आप वो रीजंस दो विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ यू। ये सारे रीजंस ऐसे हैं विच इज इन योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में थे, और जो चीज कंट्रोल में होती है हम उसके लिए सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं बना सकते। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट पार्शियल इम्पॉसिबल हो गया, क्या आप ये कह सकते हो कि पूरा पॉसिबल परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है? नहीं यार, अगर पार्शियल इम्पॉसिबल हो तो पार्शियल तो परफॉर्म करना
पॉसिबल है ना, वो परफॉर्म करो. अब सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं बना सकते. अब क्या नहीं बना सकते? अब सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना नहीं बना सकते. मेरे बेटा यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही तो प्लीज़ बेटा ओके ज़रूर भेजना. और या फिर प्लीज़ गाइज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जाना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. नेक्स्ट, तो ये तो वो चीज़ है जिसके अंदर आप सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का क्या नहीं बना सकते, बहाना नहीं बना सकते. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब होता है बेटा विद इन अ रीजनेबल पीरियड के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है. अगर वो रीजनेबल पीरियड क्या हो गया बेटा, अगर वो रीजनेबल पीरियड क्या हो गया, लैप्स हो गया, क्या आप सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बहाना बना सकते हो? सॉरी, वो रीजनेबल पीरियड लैप्स हो गया तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई साहब 3 साल के अंदर अंदर आपको रिकवरी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करनी, नहीं तो 3 साल बाद आप उससे क्या नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते. जब आप 3 साल बाद रिकवर नहीं कर सकते वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो गया? ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम. कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो गया? ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम. यहाँ तक बात बेटा जी समझ में आ गई नहीं आ गई? डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए बेटा 5 मिनट बाद दोबारा लाइव आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट बाद तब देखना, तब मैं आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ. तब तक ले बाय, टेक केयर और शब्बा खैर.